हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये देखिए, ये कली वाला लहंगा, इसमें आपको किस तरह से नीचे पट्टी लगानी है। एक तो बहुत सारे लोग इसमें सीधी पट्टी भी कटिंग करके बुकरम की और लगा देते हैं, लेकिन हम इसमें सीधी पट्टी नहीं लगाएंगे, हम इसमें उरेबी पट्टी कटिंग करके लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए, ये उरेबी पट्टी है, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये ज्यादा अच्छी रहती है, इसमें झोल नहीं आता और ये सिकुड़ती नहीं है ज्यादा। ये तो सीधी पट्टी क्या होता है, बहुत बार हम जब इस ड्रेस को धोते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। तो हम सबसे पहले ये देखिए, हमने ये बुकरम लिया, इसकी हम उरेबी पट्टी कैसे काटते हैं और कैसे आपको इसको बनाना वो बताऊंगी। तो ये देखिए, आधा मीटर ये मैंने पेपर कैनवास लिया है, देखिए बुकरम कैनवास। ये इधर ये देखिए, शाइनिंग जिधर है वो चिपकने वाला है। इधर ये देखिए, इधर की साइड ये चिपकता है और इधर ये नहीं चिपकता है। तो इसको आपको ये देखिए किस तरह से सिल लेना, ये देखिए इस तरह आप या तो सिलाई इधर लगा दीजिए या इधर, एक तरफ आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस लहंगे में हमने इस तरह की पट्टी लगाई है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये कली वाला लहंगा है और कली वाले लहंगे में भी आप इसी तरह से लगा सकते हो और अम्ब्रेला कटिंग लहंगे में भी इसी तरह से पट्टी लगा सकते हो। सीधे लहंगे में तो सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या कि नीचे से ऐसे घुमाव रहता है, तो इसमें ज्यादातर ये उरेबी कटिंग करके लगाते हैं तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है और ये सिकुड़ती नहीं है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये उरेबी पट्टी लगाई हमने। तो इस तरह की पट्टी आपको लगाना बताऊंगी। ये नेट का लहंगा है, इसमें हम पट्टी लगाएंगे और ये कली वाला है। तो अब हम इसके एक तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इधर ये जॉइंट है और ये इधर खुला है। देखिए, आधा मीटर लिया हमने ये बुकरम और इस तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब ये दो तरफ तो बंद हो गया और दो तरफ खुला है, तो आपको बीच में देखिए, यहाँ पे एक आप इस तरह से यहाँ जुड़ा हुआ है, इधर आप इस तरह से एक मार्किंग कर लें। अब आपको इस कॉर्नर को यहाँ पे मिलाना, इस तरह से देखिए, ऐसे कोण की तरह आपको इसको बनाना है। देखिए, जहां हमने ये मार्किंग लगाया, ये सेंटर है देखिए इसका, यानी कि इस पट्टी का सेंटर में ये सिलाई आनी चाहिए जो हमने सिलाई लगाई वो। अब हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे, उसके लिए आप या तो इधर से काट लें या फिर इधर से, किधर से भी आप इसको कटिंग कर लें। हम इधर से इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये उरेबी हो गया पूरा। अब इसी से हम इसके लहंगे के लिए पट्टी निकालेंगे। पट्टी हम इसके लिए 2.5 इंच की निकाल रहे हैं, आप 3 इंच की भी निकाल सकते हो, 4 इंच की, जैसी आपको पसंद हो, जितनी चौड़ी उतनी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सही कर लें, थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर निकल रहा है, उसको आप कटिंग कर लें। मैं इस लहंगे में पट्टी 2.5 इंच की निकालूंगी, इधर पेन फिसलेगा इसलिए आप उल्टी तरफ निकाल लें, इस तरफ से। ध्यान रखें, जितना आपके लहंगे का घेर है नीचे बॉटम का, उतनी आपको ये पट्टी कटिंग करनी है। इसी तरह से हम और भी पट्टी कटिंग कर लेंगे, आप चाहे तो इसी को रखकर भी कटिंग कर सकते हो। एक पट्टी और निकाल लेते हैं हम।
ये हमने तीन पट्टी कटिंग कर ली। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लहंगे में कितना घेर है, उसी हिसाब से अगर हमें जरूरत होगी तो हम और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए डबल में ये 1.25 मीटर है, तो यानी कि हमें इसकी डबल पट्टी निकालनी है, 2.5 मीटर की हमें पट्टी निकालनी है। अब मैं आपको इन उरेबी पट्टियों को कैसे जोड़ते हैं वो बताते हैं। वैसे तो इनको जोड़ने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये देखिए ये पट्टी का सीधा साइड यानी इधर ये चिकना, ये जो चिपकने वाला पोर्शन है, और इसका भी ये चिपकने वाला, दोनों चिपकने वाले पोर्शन मिलने चाहिए इस तरह से। और अब ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे मिला दीजिए, और इधर भी ये इस तरह से इसको सीधा मिला दीजिए ऐसे, और आप इसको मोड़ करके भी सीधा कर सकते हो। जैसे ये पट्टी है तो आप इसको इस तरह से सीधा कर लें, इस तरह से पहले इसको सीधी, देखिए एकदम ये यहाँ पे सीधा आ गया और इधर भी ये सीधा मिल गया, यानी ये एकदम सीधा हो गया। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हो पहले, पर हम बाद में कटिंग करेंगे इस तरह से। और इस पट्टी को भी आप इसी तरह से कर लें, ये देखिए ये देखिए एकदम ये सीधी कटिंग हो गई, ऐसा मान लीजिए कि आप सीधा कर लिया हमने। अब दोनों को इस तरह से रखें, सीधा सीधा पोर्शन अंदर की तरफ रहना चाहिए ऐसे। अब इस पट्टी को आप इस तरह से रख लें ऐसे, और अब हम इस पे पिन लगा देते ताकि ये हिले नहीं, और अच्छे से एक्यूरेसी से अच्छे से बने पट्टी एकदम सीधी और बढ़िया। इस तरह से आपको सिलाई लगानी, तो यहाँ पे आप पेन से लाइन खींच दे, इस तरह से मिला लें आप। और अब हम इस जहाँ हमने ये मार्किंग किया उस पर हम सिलाई लगा देंगे। बहुत सारे लोगों से उरेबी पट्टी पे सिलाई होती नहीं है सही से, तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों को ये इजी तरीका बता रही हूँ। और इसकी कटिंग कर लें, ये देखिए इस तरह से आपको कटिंग करनी है। ये पट्टी बन गई, ये देखिए, और ये एक्स्ट्रा जो निकल रहा है उसको आप कटिंग कर लें। ये बहुत ही इजी तरीका है इसको जोड़ने का। और अब मैं एक और तरीका आपको बता देती हूँ इनको जोड़ने का। ये देखिए ये इसका सीधा साइड है और इस पट्टी का भी सीधा साइड इधर है, देखिए दोनों सीधा सीधा साइड अंदर की तरफ रहने चाहिए, और इस तरह से आपको इनको रखना है, ये देखिए इस तरह से रखना आपको। और ये देखिए यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, ये देखिए सिलाई आपको यहाँ लानी है, और ऊपर से भी ये देखिए यहाँ पे सिलाई लानी है, इस तरह से आपको सिलाई करनी है। अब हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। ये हमने पिन इसलिए लगाया ताकि ये चिकना है और इसमें भी चिकना, तो ये बहुत फिसलता है, तो हो सकता है ये सही से नहीं हो, इसलिए हमने इसमें पिन लगा दिए। ये देखिए इस तरह से भी आप जोड़ सकते हो, ये भी बहुत ही इजी है, लेकिन जो मैंने बताया वो भी बहुत इजी है। ये देखिए इसमें भी एकदम परफेक्ट जुड़ गई है पट्टी। मैंने आपको दो तरीका बताया, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप जोड़ सकते हो। अब हम इसी तरह से कपड़े की भी उरेबी पट्टी कटिंग कर लेंगे, लेकिन कपड़े की पट्टी हम इस पट्टी से 1 इंच बड़ी कटिंग करेंगे, ताकि हमारे कपड़े जैसे हम लहंगे में सिलेंगे उसके लिए भी चाहिए, और इधर से 1/2 इंच फोल्ड करने के लिए भी चाहिए। तो इससे हम जस्ट 1 इंच बड़ी पट्टी उरेबी कटिंग करेंगे, तरीका सेम रहेगा यही तरीका। ये पट्टी हमने 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है, उसमें हम 3.5 इंच रखेंगे। और ये देखिए ये भी आप 1/2 मीटर फैब्रिक ले सकते हो, जिस बुकरम पट्टी को हम इस पे चिपकाएंगे उसके लिए भी हम उरेबी पट्टी कटिंग करेंगे। तो इसका भी हम एक तरफ का, देखिए एक तरफ जुड़ा हुआ है और एक तरफ हमें सिलाई लगानी है। इसको भी आपको उसी तरह से करना जैसे हमने बुकरम को किया, इसी तरह से। चाहे तो आयरन से इसको इस तरह से जमा लें ताकि एकदम ये बराबर से कटिंग हो। अब हम इसका ये देखिए इस तरह से आपको रखना है, और एक साइड किसी भी साइड आप इधर भी कटिंग कर सकते हो, चाहे तो आप इधर कटिंग, लेकिन एक तरफ आपको कटिंग करनी है। तो हम इधर से कटिंग करके इसको खोल लेते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि बुकरम की चौड़ाई हमने 2.5 इंच की रखी, तो इसको आपको 3.5 इंच की कटिंग करनी है। तो आप 3.5 इंच पर आप मार्किंग करके कटिंग कर लें इसकी।
अब हम जो कपड़े की कटिंग करी हमने पट्टी या कटिंग करी कपड़े की, अब हम कपड़े की पट्टी पर इस कैनवास पेपर को चिपका देंगे। ये देखिए, और ये देखिए कपड़े को आपको उल्टा रखना, इस पट्टी को इस तरह से उल्टा ऊपर रहना चाहिए, और ये इसका चिपकने वाला पोर्शन उल्टी, ये कपड़े की पट्टी के उल्टी तरफ रखना हमें इस तरह से, ताकि इस पे ये चिपक जाए। आधा इंच इधर छोड़ना और आधा इंच ही इधर छोड़ करके इसको चिपका देना है इस तरह से। इसी तरह से हम इस पूरी पेपर कैनवास की पट्टी को इस कपड़े की पट्टी पे चिपका देंगे। अब हम एक तरफ से इस तरह से उलट करके सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल आप किनारे पे सिलाई लगा दें, पूरी पट्टी पे ही इसी तरह से आपको सिलाई लगा देनी है एक तरफ। ये देखिए एक तरफ से हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, और एक तरफ से अभी हमने फोल्ड नहीं किया, क्योंकि एक तरफ हम लहंगे के बॉटम में इस इधर बॉटम में अटैच करेंगे इसलिए। तो अब हम इस लहंगे के बॉटम में इसको पट्टी को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरफ एक तरफ हमने इसकी किनारी को ऐसे फोल्ड कर लिया, ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा करके और फोल्ड कर लिया, ये देखिए, और इस तरफ हमने कोई सिलाई नहीं लगाई अभी। तो अब ये लहंगे का बॉटम है, इसके ये सीधी साइड है लहंगे की, और ये पट्टी की भी सीधी साइड है, बुकरम साइड ऊपर रहेगी। ये देखिए इस तरह से आपको अटैच करना है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको पूरे में बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई करनी है आपको, बिल्कुल यहाँ पास में। तो अब हम इसको अटैच कर देते हैं लहंगे में। ध्यान रखें आप बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करें, बुकरम के बिल्कुल पास में सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने इसको अटैच कर दिया इस लहंगे के बॉटम में, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अब हम एक सिलाई यहाँ किनारे पे लगा देंगे बिल्कुल, ताकि ये पट्टी अच्छे से जम जाए। आप चाहे तो इसको नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपसे बैठ जाएगी ये पट्टी। ये आपको बुकरम की बिल्कुल किनार में लगानी है। ये देखिए इस फैब्रिक को इस तरफ करके ऐसे, अब हम इस पट्टी पे पिन लगा देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए अच्छे से। थोड़ी दूरी दूरी में आप इस तरह से पिन लगा दे, आप चाहे तो इसको कच्चा भी कर सकते हो। हमने पूरी पट्टी में ये देखिए पिन लगा दिए, ताकि ये फिनिशिंग से बने। बिल्कुल आपको किनारी पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने पूरी पट्टी में सिलाई लगा दी, और कहीं पे भी इसमें हमें छोटे छोटे टक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए ये उरे भी पट्टी कटिंग करी हमने, इसीलिए इसमें छोटे छोटे चुन्नट हमें यहाँ नहीं लेने पड़े पट्टी में। अगर आप सीधी पट्टी लगाओगे तो उसमें आपको चुन्नट देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सेट नहीं होगी इस तरीके से, और इतनी फिनिशिंग से भी नहीं लग पाएगी। अब मैं आपको इसको सीधी तरफ से भी बता देती हूँ। ये देखिए पूरी पट्टी में कहीं पे भी हमें कोई चुन्नट इसमें नहीं डालनी पड़ी, ये देखिए, और कहीं कोई सलवल नहीं आ रहे हैं इसमें। इस तरीके से पट्टी काट कर आप, चाहे आपका कोई सा भी लहंगा हो, चाहे आपका अम्ब्रेला कटिंग हो या कली वाला लहंगा हो, आप सभी में इसी तरह से ये बुकरम की पट्टी लगा सकते हो। अगर आप प्लेट वाला बना रहे हैं सीधा, तो उसमें तो आपको सीधी पट्टी भी लग जाएगी आसानी से, लेकिन अगर इस तरह से अम्ब्रेला कटिंग और कली वाले में आप उरे भी पट्टी कटिंग करके ही लगाएं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसमें हमने अस्तर भी अटैच कर रखा है, देखिए इस तरीके से हर कली पे हमने इस तरह से सिलाई लगा रखी है, देखिए। इससे क्या कहीं पे भी अंदर सल नहीं आते, एकदम फिनिशिंग से ऐसे लग रहा है जैसे ये नेट का लहंगा नहीं हो, और इस तरह से इस पर डिजाइन बनी हुई है, देखिए। अगर आपको राजपूती लहंगे का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो श्रेय फैशन चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाया है कटिंग से लेकर सिलाई तक का। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, थैंक्स।